ऋषि और आयुष के बीच में आई दरार। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल भाग्यलक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, ऋषि ने जो है आयुष को एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिया था, जिस पर आयुष उस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को खराब कर देता है। ऋषि ये देखकर आयुष पर बरस पड़ता है, जिस पर लक्ष्मी उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन ऋषि जरा भी चुप नहीं होता। साथ ही ऋषि जो है बातों ही बातों में मलिष्का की भी तारीफ कर देता है, कहता है कि मलिष्का अगर यहाँ होती तो जरा भी मिस्टेक नहीं होती। इसी बात का फायदा करिश्मा और नीलम उठाने वाली है। करिश्मा जो है नीलम को भड़काने का काम करती है लक्ष्मी के खिलाफ। वो कहती है अगर लोगों को ये पता चला कि बलविंदर जो है लक्ष्मी के पीछे पड़ा हुआ है तो इससे हमारी फैमिली का नाम खराब होगा, हमें जल्द से जल्द लक्ष्मी को यहाँ से बाहर भेजना होगा। इसी बात को करने के लिए वो मलिष्का की माँ के पास भी जाती है। मलिष्का को जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए, जैसे लक्ष्मी ने उसे प्यार से अपना बना रखा है ऐसे ही मलिष्का को कुछ तरकीब अपनानी होगी। उससे पहले जो है मलिष्का को बता देती है कि लक्ष्मी ने तुम्हारे लिए गायब होने का शब्द इस्तेमाल किया है। तभी मलिका मलिष्का के पास पहुंचती है और उसे जाकर कहती है कि तुम्हें लक्ष्मी को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ सोचना समझना होगा। तो अब जो है मलिष्का अपने आप को किडनैप कर लेगी और उसका इल्जाम लक्ष्मी के ऊपर लगाएगी। इस बीच ऋषि और लक्ष्मी के बीच भी दरार आ जाएगी। दोस्तों कमेंट करके बताएं जानकारी कैसी लगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।